नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकिन के YouTube चैनल पे। आजकल हम सभी देख रहे हैं कि स्मार्ट क्लास का बहुत चलन है। जिसको देखो वो स्मार्ट क्लास बनाने में लगा हुआ है, अपनी ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करना चाहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये बेसिक नॉलेज ही नहीं होती है कि स्मार्ट क्लास क्या होती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, एंड सबसे अहम बात, क्या हमें स्मार्ट क्लास की रिक्वायरमेंट है। तो आज इस वीडियो में हम यही सब बेसिक टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि स्मार्ट क्लास क्या है और कितने प्रकार की होती है। मान लीजिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई, वो कहानी आपको 4 से 5 दिन तक याद रहेगी। बट अगर मैंने उसी कहानी का एक वीडियो बना के, एक शॉर्ट फिल्म बना के आपको दिखाया, तो नो डाउट वो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगी। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, हमारा ब्रेन जो है वो वीडियो और ऑडियो में दिखाई हुई चीजों को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करता है। अगर मैं इसे स्कूल से रिलेट करूं, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो रानी पद्मावत के बारे में हमने सभी ने बचपन में हिस्ट्री सब्जेक्ट में डेफिनेटली पढ़ा होगा। बट क्या हमें उनकी बेसिक नॉलेज थी कि वो कौन थी, क्यों लड़ाई हुई एंड एक्सेट्रा, वो एग्जाम तक हमें याद रहती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट अभी रिसेंटली जब इनका मूवी आई थी, उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधे लोगों को याद होगा बेसिक से जो चीजें हैं उसके बारे में। सिमिलरली अब मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कितनी सारी चीजें होती है, कितने सारे वीडियोस दिखा के आप आसानी से उन कॉन्सेप्ट्स को समझा पाएंगे, बच्चों को ईजी होगा उसको ग्रास्प करने में। तो ये तो हम समझ गए कि स्मार्ट क्लास क्या होती है, टेक्नोलॉजी को यूज करके, एजुकेशन के साथ मर्ज करके हम बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और इजीली उनको समझ आ पाए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं। अब समझते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है स्मार्ट क्लास के अंदर। सबसे पहली चीज, अगर भाई हमें वीडियो दिखाना है तो मुझे टीवी की जरूरत है। बट अब मान लीजिए कि वीडियो चलते समय मैं चाहती हूँ उसमें कुछ लिख के समझाऊं, या फिर जैसे अपन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मुझे उस पर लिखना भी है, तो आप टीवी पे तो लिख नहीं सकते। इसके लिए एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले आता है, इसको कहते हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। ये सबसे बेसिक कंपोनेंट है जो आपको चाहिए एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए। अगर आपकी छोटी क्लासरूम है जिसमें 30 से 40 बच्चे हैं, तो ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल एक स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह काम कर सकता है। इसमें इनबिल्ट स्पीकर्स भी होते हैं, वीडियो ऑडियो पूरा एक ही में काम हो जाएगा आपका। बट मान लीजिए मेरी क्लास थोड़ी बड़ी है या इसमें बच्चे थोड़े ज्यादा हैं, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, टीचर जो बोल रहा है सामने वो लास्ट में बैठे बच्चे को सुनाई नहीं देता है। इसमें हम ऑडियो डिवाइस इंटीग्रेट कर सकते हैं, टीचर को एक माइक दे दिया और पीछे स्पीकर लगा दी, तो सारे बच्चों को आराम से सुनाई दे रहा है टीचर क्या पढ़ाना चाह रहा है। तो ये तो हो गया मेरा एक ऑफलाइन क्लासरूम का सेटअप। चाहे आप पैनल ले लीजिए या उसके साथ ऑडियो डिवाइस मिला लीजिए, आप स्कूल में आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बट एक दूसरे तरह का सेटअप होता है ऑनलाइन क्लासेस, जब मुझे लेनी हो उसके लिए। अब मैं यहाँ पे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और चाहती हूँ कि वो स्टोर होकर दूसरे बच्चों को मैं दिखाऊं, इसके लिए हमें क्या लगेगा, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस जो कि कैमरा हो गया। इसमें मैं पैनल पे पढ़ा रही हूँ, कैमरा मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, माइक से मेरा ऑडियो जा रहा है। ये हो गया आपका ऑनलाइन क्लास का सेटअप। आप चाहे तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या फिर आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, बाद में बच्चों को दिखा दीजिए। तीसरा सेटअप और सबसे एडवांस और ये आजकल नीड हो गया है एक तरह से, हाइब्रिड क्लासरूम का सेटअप। ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, इन दोनों को साथ में जो लेते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन मेरी क्लास चल रही है, यहाँ पे 10 बच्चे 50 बच्चे बैठे हैं, मैं उनको पढ़ा रही हूँ। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मेरा जो क्लासेस का लेक्चर है वो रिकॉर्ड हो जाए, चाहे मैं फ्यूचर रेफरेंस में यूज करना चाहूँ या दूसरे क्लास में बैठे बच्चों को दिखाना चाहूँ, उसके लिए इन सबका मिक्सचर मुझे लगेगा। पैनल में आप डिस्प्ले दिखा रहे हैं, ऑडियो जा रहा है आपका माइक से, एंड कैमरा से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये तीन तरह के मेन सेटअप हमें लगते हैं, होते हैं इन जनरल, ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड। आशा करती हूँ आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है अब कि क्या क्या इक्विपमेंट लगना चाहिए और कौन से सेटअप में कितने इक्विपमेंट्स लगते हैं और क्या जरूरत है इन इक्विपमेंट्स की। तो चाहे आपको क्लास 1 के बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को ABCD पढ़ानी हो या राइम्स सिखानी हो, या फिर क्लास 12 के बच्चों को केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना हो, दोनों ही चीजें एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन और इंटरैक्टिव तरह से आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल्स पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और हम आते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ आपके लिए। थैंक यू।